हेलो ऑक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग वांग जी से कहता है, कैसा रहेगा लंजा कि मैं भी अपने लिए एक बनी सूट ले लूं। जिसे सुनने के बाद वांग जी के ईयर्स बुरी तरह रेड हो जाते हैं और वो कफिंग करने लगता है। आयुन उसकी हालत देखकर हंस रहा था। वयिंग उसे कहता है, तुम अपने पुअर फादर पर कैसे हंस सकते हो आयुन, कितने क्रूर हो तुम। कुछ टाइम बाद वांग जी की ब्रीदिंग जैसे ही नॉर्मल होती है वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो वयिंग से कहता है, मुझे कुछ पेंडिंग वर्क है जो इस हफ्ते तक पूरा करना है, मैं चलता हूँ। उसको जाता हुआ देखकर वयिंग को थोड़ा सैड तो फील हो रहा था, पर वो उसे नहीं रोक सकता था। वो वांग जी से कहता है, ठीक है लंजा, पर मैं तुम्हारे लिए लेडी वैन के बनाए हुए कुछ रेड बीन पेस्ट लाकर देता हूँ, तुम्हें वो बहुत पसंद आएंगे, उन्होंने मुझे काफ़ी सारे दे दिए हैं। विंग तुरंत उसके लिए कुछ बंस पैक कर देता है और उससे कहता है, तुम्हें ये बहुत पसंद आएंगे और मैंने ब्रदर और अंकल के लिए भी पैक कर दिए हैं। वांग जी उसकी तरफ मुस्कुराता है और विंग भी उसे देखता ही रह जाता है। वो नर्वसली मुस्कुराने लगता है। हमेशा से विंग के साथ ऐसा ही था, जब भी वो वांग जी की आंखों में देखता था तो एकदम खो जाता था। वो सोचता था कि क्या उसका एल्फा भी ऐसा ही फील करता होगा जैसा वो करता है। वांग जी उस बॉक्स को पकड़ने के लिए अचानक वयिंग का हाथ पकड़ लेता है। उन दोनों की सेंस आपस में कब ब्लेंड होने लग जाती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे वयिंग वांग जी के नज़दीक आने लगता है। वांग जी भी उसे इंटेंसली देख रहा था। काफ़ी टाइम हो चुका था जब उन दोनों ने एक दूसरे को किस नहीं किया था और वयिंग को किस करने के थॉट से ही फीवरिश फील हो रहा था। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वो उस मोमेंट में खोता जा रहा है और वो बुरी तरह तड़पने लगता है कि कैसे भी लंजा उसे होल्ड कर ले, उन दोनों के बीच की दूरियों को मिटा दे। तभी सडनली वयिंग को कुछ फील होता है और उसकी अटेंशन सीधा फ्लोर पर जाती है, जहां आयुएन वयिंग के जीन्स के सॉफ्ट फैब्रिक को खींच रहा था। आयुएन अपने घुटनों पर चलते हुए उन दोनों की तरफ तक आ गया था। वयिंग को एक सेकेंड के लिए एम्बैरेसिंग फील होता है, पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसका लिटिल रेडिश फाइनली अपने घुटनों पर चलने लगा है। वयिंग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे शेक करते हुए कहता है, लंजा क्या तुमने देखा। वांग जी भी आयुएन की तरफ ही देखे जा रहा था। वयिंग कहता है, ओ माय गुडनेस आयुएन, तुमने फाइनली ये कर दिखाया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाया। वयिंग आयुएन को गोद में उठाता है और उसके फेस पर, उसके चीक्स पर हर जगह किस करने लगता है। वयिंग को ऐसा लग रहा था कि खुशी की वजह से कहीं उसकी आंखों से आंसू न बहने लगे। वांग जी को भी बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था। उसके बाद एक घंटा और वांग जी वहीं आयुएन और वयिंग के साथ समय बिताता है। वो दोनों ही आयुएन को घुटनों पर चलते हुए देख रहे थे और कम से कम उसके 100 पिक्चर्स ऑलरेडी क्लिक कर चुके थे। अब कुछ दिन और बीत चुके थे। वयिंग आयुएन की रूटीन विजिट के लिए उसे पीडियाट्रिशियन के पास लेकर आया था। जिस वेटिंग रूम में वो दोनों ठहरे हुए थे वहाँ काफ़ी सारे सिक चिल्ड्रन थे, जिस वजह से आयुएन को भी एलर्जी हो गई। वयिंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो वांग जी से कह रहा था, पेरेंट्स अपने बीमार बच्चों को क्यों डॉक्टर के पास लेकर आते हैं, ऐसे नहीं लाना चाहिए ना। वांग जी आंखें बंद करते हुए सोचने लगता है, वयिंग बीमार बच्चों को ही तो डॉक्टर के पास लाया जाता है। पर वो वयिंग से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वांग जी को भी पता था कि वयिंग को इस वक्त आयुएन की बहुत चिंता हो रही थी। हालांकि वो वयिंग के पीडियाट्रिशियन से ऑलरेडी बात कर चुका था, जिन्होंने वयिंग से कहा था कि ये केवल 24 आवर वायरस है। आयुएन का बुखार अगर एक दिन के बाद भी नहीं उतरता है तब वो उसे वापस चेक कराने के लिए ला सकता है। वयिंग को फिर भी बहुत चिंता हो रही थी। वेंचिंग ने भी वयिंग से कहा था कि पीडियाट्रिशियन का कहना बिल्कुल सही है, किड्स के लिए इस तरह बाहर जाकर बीमार हो जाना एकदम नॉर्मल सी बात है। वयिंग जानता था कि वो डॉक्टर और पीडियाट्रिशियन बिल्कुल सही कह रहे होंगे, पर आयुएन को उसने बुखार में कभी नहीं देखा था। उसका छोटा सा बॉय पूरा रेड हो गया था, वो फीवरिश दिख रहा था, जिससे वयिंग पागल सा होता जा रहा था। वो ना खा रहा था ना कुछ पीने को तैयार था। वयिंग को चिंता हो रही थी कि कहीं उसका लिटिल बॉय डिहाइड्रेटेड ना हो जाए। वो सोचने लगता है, क्या पता डॉक्टर ने आयुएन को ठीक से चेक ना किया हो या वायरस के बारे में गलत पता लगाया हो। यही सब सोचते सोचते वो वांग जी को सारी बातें बता देता है। वांग जी उसे शांत कराने की कोशिश करता है। वो दोनों आयुएन को लेकर एक बड़े हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वयिंग अब वेटिंग रूम में बैठा हुआ था और आयुएन की रिपोर्ट्स के आने का इंतज़ार कर रहा था। आयुएन की रिपोर्ट्स आ जाती हैं और आयुएन बिल्कुल ठीक था। वयिंग एक चैन की सांस लेता है और वांग जी से कहता है, अगर मैंने पहले ही डॉक्टर की बात सुनी होती तो आज हम दोनों को वेटिंग रूम में पूरे दिन इंतज़ार ना करना पड़ता लंजा,
कितने सारे बच्चे थे वहाँ और सब रो रहे थे। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, आयुन के लिए बुरा लग रहा था। वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं भी बहुत वरिड था वेइंग जब तुमने मुझे आयुन के बारे में बताया था। इसमें हमें ब्लेम नहीं किया जा सकता, पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को इस तरह देख पाना बहुत मुश्किल है। हम दोनों ही फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं तो हमारा चिंता करना बिल्कुल जायज़ है। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स वाली बात पर वेइंग ब्लश करने लगता है। वेइंग पूरी तरीके से मैच दिख रहा था, वहीं लंजा एकदम पेशेंट, काइंड और परफेक्ट था। वेइंग को ये विश्वास हो गया था कि उसे अपने अल्फा के लिए फीलिंग्स हैं। जब भी लंजा उसके पास होता है, वेइंग का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है और इस बात को वो इनकार नहीं कर सकता था। वो दोनों अब आयुन का ख्याल रखने पर फोकस कर रहे थे और दोनों ही काफ़ी अच्छे से कर रहे थे, पर वेइंग अभी भी कन्फ्यूज था कि क्या लंजा सच में उसे पसंद करता है या नहीं, या फिर वो ये सब कुछ अपनी जिम्मेदारी समझ कर रहा है। वो दिनों ऑलरेडी वेइंग के अपार्टमेंट तक आ चुके थे। वेइंग अभी भी अपने थॉट्स में ही खोया हुआ था। वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वेइंग देखता है कि वांग जी ने कार पार्क कर दी थी। वो उससे कहता है, ओ सॉरी लंजा, मैं पता नहीं कहाँ खो गया था, आज का दिन काफ़ी लंबा रहा ना। वांग जी उससे कहता है, हाँ वेइंग, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। वेइंग कहता है, होपफुली आज रात आयुन को थोड़ी चैन की नींद आ जाएगी। डॉक्टर का कहना है कि वो संडे तक एकदम ठीक हो जाएगा। मुझसे वेट ही नहीं हो रहा है, मुझे उसे ड्रेसअप करना है और उसके काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक करने हैं। वांग जी उससे कहता है, वेइंग तुम चिंता मत करो, वो एकदम ठीक हो जाएगा। वांग जी के जाने के बाद वेइंग आयुन को ऊपर लेकर आता है। वो दोनों ही इतना थक गए थे कि आयुन और वेइंग दोनों सो जाते हैं। समय बीत जाता है। वेइंग याली से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और उससे कह रहा था, ये फेयर नहीं है शुजय। याली उससे कहती है, आशियन कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तुम बस आयुन को रेडी कर दो, उसके कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर लो। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही उसे रेडी करके उसके फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हो। वेइंग हैप्पीली आयुन की तरफ देखता है जो घुटनों पर चल रहा था और एक बॉल के पीछे पीछे जा रहा था। जैसा कि डॉक्टर ने प्रेडिक्ट किया था, आयुन की तबीयत तो एकदम ठीक हो गई थी, पर वेइंग की तबीयत खराब हो गई थी। वेइंग को बुखार हो गया था। वेइंग याली से कहता है, ठीक है शिजे, मैं लंजा को मैसेज करके कह देता हूँ। हालांकि उसके ब्रदर आयुन को रैबिट कॉस्ट्यूम में देखना चाहते थे, पर अब मुझे उन्हें फ़ोटो ही क्लिक करके भेजना होगा। याली कहती है, डोंट वरी आशियन, वो समझ जाएंगे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वेइंग शिजे से बात करने के बाद वांग जी को कॉल करता है और उससे कहता है, आई एम रियली सॉरी लंजा। पर वांग जी उससे कहता है, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेइंग कहता है, पर तुम्हारे ब्रदर। वांग जी कहता है, मैं उन्हें संभाल लूँगा। वेइंग उसे थैंक्स कहकर फ़ोन कट करता है और आयुन को अपने पास लिटाकर थोड़ी देर के लिए आराम करता है। वेइंग को सोते वक्त अपने फोरहेड पर किसी का कोल्ड हाथ फील होता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो एक फैमिलियर फेस देखकर शॉक्ड रह जाता है और उससे कहता है, लंजा तुम यहाँ कब आए? ऐसा कहते ही वो तुरंत कफ करने लगता है। वांग जी उससे कहता है, मैं बस थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया था, आंट वैन ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। वेइंग कहता है, ओ नो, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गया, आयुन कहाँ है लंजा? ऐसा कहकर वेइंग पैनिक फील करने लगता है। तभी वो अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाता है तो लिटिल गाय चेयर पर बैठा हुआ था और हैप्पीली स्ट्रॉबेरीज खा रहा था। वांग जी उससे कहता है, जब मैं यहाँ आया था तो वो सो रहा था, पर थोड़े टाइम बाद ही वो जाग गया था। मैंने उसे स्ट्रॉबेरीज खाने को दी हैं जिससे वो बिजी रहे। वेइंग तुम चिंता मत करो, तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आयुन का ख्याल मैं रख लूँगा। ऐसा कहकर वो फिर से उसे लेटने के लिए कहता है। वेइंग उसे कंप्लेन करता है कि उसे वहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, पर वांग जी उसे शांत रहने और आराम करने के लिए कहता है। कुछ दिनों तक वांग जी अब ऐसे ही वेइंग को विजिट करता था। वेइंग जब भी उठता था, कभी लंजा आयुन के साथ खेल रहा होता था तो कभी लंजा उसे नहलाकर बाहर आ रहा होता था। वेइंग सीक्रेटली उन दोनों की पिक्चर्स भी क्लिक कर लेता था। एक दिन जब वांग जी देख लेता है कि वेइंग चुपके से उन दोनों की फ़ोटोग्राफ क्लिक कर रहा था, वांग जी वेइंग की तरफ बढ़ता है और अपने पास बैग में से दो हेडबैंड्स निकालता है। वो दोनों हेडबैंड्स पर बनी ईयर बने हुए थे। वेइंग उन हेडबैंड्स की तरफ देखता ही रह जाता है और वांग जी के ईयर्स एकदम रेड हो जाते हैं। वो एक हेडबैंड वेइंग को पहना देता है और एक खुद पहन लेता है। वांग जी उन हेडबैंड को पहनकर बहुत एडोरेबल लग रहा था। दूसरी तरफ वेइंग को वो हेडबैंड पहनकर इतना शाय फील हो रहा था कि वो ब्लैंकेट में अपना फेस छुपा लेता है।
वांग जी उससे कहता है, वुइंग अब तुम चाहे जितने पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। वुइंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। उन्होंने आयुएन को भी वो बनी कॉस्ट्यूम पहना दी थी। वांग जी और वुइंग ने वो बनी ईयर्स वाला हेडबैंड पहन लिया था। तीनों ने मिलकर साथ में काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे। वुइंग ने सोच लिया था कि इस फोटो को तो वो अपनी लॉक स्क्रीन वॉलपेपर बनाएगा। वांग जी उन दोनों के लिए डिनर ऑर्डर करता है। डिनर कर लेने के बाद वांग जी वुइंग को एक बहुत कड़वी सी दवा खिलाता है। वुइंग मुंह बनाते हुए कहता है, सो क्रूल लंजा। अब मुझे पता चला कि आयुएन कभी कभी क्यों क्रूल हो जाता है। वो अपने फादर पर जो गया है। वांग जी मुस्कुराने लगता है और वुइंग को एक ग्लास पानी लाकर देता है। सडनली उन दोनों के फिंगर्स आपस में टच हो जाते हैं। वुइंग अचानक शिवर करने लगता है। वो वांग जी के हाथ से वो ग्लास लेता है और पानी पी लेता है। कुछ टाइम बाद आयुएन को भी नींद आ जाती है। वांग जी भी अपने कपड़े चेंज करके कंफर्टेबल से पीजेस पहन लेता है। वुइंग को इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना होमी फील हो रहा था। वो कब से चाहता था कि लंजा उसके साथ ही रहने के लिए आ जाए। वांग जी तभी वुइंग के पास काउच पर आता है और उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम वार्म हो रहे हो वुइंग। वुइंग उसे टीज करते हुए कहता है, हाँ लंजा तुम बहुत हॉट हो ना। वांग जी उसके फेस से बाल हटाते हुए कहता है, तुम आराम करो मुझे चलना चाहिए। इस बात पर वुइंग रिग्रेट करते हुए कहता है, अभी नहीं लंजा, क्या तुम भूल गए मेरा बर्थडे है। वांग जी कहता है, ठीक है आज वुइंग का बर्थडे है तो मैं वही करूँगा जो तुम चाहते हो। वुइंग पूछता है, क्या तुम श्योर हो तुम वो कर पाओगे जो मैं चाहता हूँ। वांग जी कहता है, हाँ। वुइंग कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी गोद में सिर रखना चाहता हूँ तो क्या तुम मुझे करने दोगे। वांग जी हाँ में सिर हिलाकर वहीं काउच पर बैठ जाता है और वुइंग का सिर अपनी गोद में रख लेता है। वुइंग कहता है, वाओ मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम मुझे ये करने के लिए अलाउ करोगे लंजा, मुझे लगा था कि तुम पक्का मना कर दोगे। बीमार होना सच में कितना बुरा होता है ना, जब तुम बच्चे थे तो क्या तुम भी बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते थे लंजा। मैं जब छोटा था तो मैं तो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता था। वांग जी कहता है, बहुत ज़्यादा नहीं पर जब भी मैं बीमार होता था मदर मेरे लिए सॉन्ग गाया करती थी और मैं इन्जॉय करता था। वुइंग मुस्कुराते हुए कहता है, और जब भी मैं बीमार होता था जीजे मेरे लिए सूप बनाती थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था उनका बनाया हुआ सूप बिल्कुल मैजिकल है जिसे खाने से मैं ठीक होने लगता था। धीरे धीरे वुइंग यॉनिंग करने लगता है और उसे नींद आना शुरू हो जाती है। तभी वो देखता है कि वांग जी वहाँ से उठकर जा रहा था। वुइंग को पैनिक होता है और वो तुरंत उसे कहता है, प्लीज़ लंजा अभी मत जाओ, मेरे लिए कोई सॉन्ग सुनाओ ना। वांग जी तुरंत उसके लिए एक सॉफ्ट ट्यून गाना शुरू कर देता है। उस सॉफ्ट ट्यून में कोई लिरिक्स नहीं था पर फिर भी वो ट्यून वुइंग को इतनी अच्छी लग रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कहीं वो रो ना पड़े। वो चाहता था कि काश वो इस मोमेंट को हमेशा के लिए फोटोग्राफ क्लिक करके रख पाता। वांग जी जब अपनी ट्यून कंप्लीट करता है, वुइंग उससे कहता है, ये बहुत ब्यूटीफुल है लंजा, इसका क्या नाम है। वांग जी उससे कहता है, मैं फिर कभी तुम्हें बताऊंगा। वुइंग कहता है, ठीक है लंजा। अब वो अपने फ़ोन में टाइम चेक करता है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। तभी वो नोटिस करता है कि वांग जी उसके फ़ोन के वॉलपेपर की तरफ ही देखे जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। वुइंग उससे कहता है, तुम्हें ये वॉलपेपर पसंद आया लंजा, मैं तो सोच रहा था इस फ़ोटो को फ्रेम करवा कर रख लूँगा, कितनी अडोरेबल फ़ोटो है ना। लास्ट ईयर मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई दिन भी आएगा, ये मेरे लिए एक विशफुल फैंटेसी था। सॉरी लंजा मैं कितना स्टूपिड था ना। वांग जी उससे कहता है, नहीं वुइंग, और तुम्हें इस फोटोग्राफ को अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर डालना चाहिए, पुरानी जितनी भी बैड मेमोरीज हैं उन्हें इस अच्छी मेमोरी के साथ रिप्लेस कर दो। वुइंग मुस्कुराते हुए कहता है, सच में लंजा तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वांग जी कहता है, वो हमारा बेटा है, मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया को ये पता चल जाए। वुइंग तुरंत उस फोटोग्राफ को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला होता है और एक सिली सा कैप्शन लिख देता है जिसमें वो लिखता है, हैलोवीन विद माई टू फेवरेट बनीज। साथ में वो काफ़ी सारे इमोजीज बना देता है जिसमें हार्ट, कैरेट और दो मैन थे जो अपने सन को किस कर रहे थे। वुइंग जैसे ही उसे पोस्ट करता है उसे तुरंत नोटिफिकेशन मिलता है, लांग वांग जी हैज़ लाइक्ड योर पोस्ट। वो देखता है कि वांग जी ने अपना फ़ोन निकाल लिया था और तुरंत सबसे पहले उस फोटो को लाइक कर दिया था। वुइंग बहुत खुश होता है, उसकी चेस्ट वार्म्थ से भर चुकी थी। बीमार होने की वजह से जो पूरे दिन वो टायर्ड जो फील कर रहा था वो सारी टायर्डनेस अब गायब हो गई थी। फाइनली वुइंग वांग जी से कह ही देता है, आई एम सॉरी लंजा,
मैंने तुम्हें आंसर करने में इतना समय लगा दिया। सच ये है कि मैं बहुत डरा हुआ था, पर क्या हम अपने रिश्ते को एक ट्राई दे सकते हैं? वांग जी तुरंत उससे कहता है, यस प्लीज वुइंग। वुइंग इस बात पर मुस्कुराने लगता है। वांग जी वुइंग को तभी की तभी किस करना चाहता था। वो आगे की तरफ बढ़ता है, पर तभी वुइंग उसके लिप्स पर हाथ रख लेता है और उससे कहता है, लंजा ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी वरिड हो जाता है ये सोचकर कि कहीं उसने अपनी लिमिट तो नहीं क्रॉस कर दी। वुइंग ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, लंजा सीरियसली? और गगा मुझे पता है कि तुम मेरा फर्स्ट किस ऑलरेडी ले चुके हो, पर इस बार तुम्हें थोड़ा सा तो इंतज़ार करना होगा। मुझे अभी बुखार है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी बुखार हो जाए, और मैं कितना स्वेटी भी हो रहा हूँ। वांग जी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हारा फर्स्ट किस? वुइंग कहता है, ऑफ कोर्स। मैं तब हाई स्कूल में था और मैंने किसी को भी डेटिंग नहीं की थी। तुम पहले थे जिसने मुझे किस किया और मेरे साथ वो सब कुछ किया। वुइंग बुरी तरह ब्लश करने लगता है, पर वो वांग जी से कहता है, हम इस बारे में अभी और बातें कर सकते हैं, शायद हम प्रॉपर डेट पर जा सकते हैं, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा लंजा? वांग जी इस बात पर मुस्कुरा देता है। अगले सुबह वुइंग उठते ही आयुएन का फोटोग्राफ वांग जी को सेंड करता है और उसे मैसेज लिखता है, मॉर्निंग अर्गगा, क्या तुमने मुझे मिस किया? उस सिंपल से मैसेज से ही वांग जी को ऐसा फील हो रहा था कि वो इस दुनिया का लकीएस्ट अल्फा है, और वो रिप्लाई में लिखता है, हाँ हमेशा। वुइंग कहता है, हम जल्दी एक दूसरे से मिलने वाले हैं, होपफुली आंट यू आज रात आयुएन की देखभाल करेंगी। वांग जी को बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे वो आसमान में उड़ रहा हो। उसके अंकल ने ये नोटिस भी कर लिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट के वक्त वो ऐसा लुक दे रहा था जो उसने पहले कभी नहीं दिया था। उसके अंकल उससे कहते हैं, वांग जी तुम आज बहुत खुश दिख रहे हो। वांग जी कहता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। चरण कहते हैं, इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी बात है। तीनों मिलकर साइलेंस में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उस दिन वांग जी जब वुइंग से मिलने जाता है तो वुइंग उससे कहता है कि अब वो अपने आने वाले मिड टर्म एग्जाम्स पर फोकस करे। वुइंग कहता है, लंजा तुम हर फ्राइडे यहाँ आ सकते हो, पर तुम्हें बाकी के दिन अपनी स्टडीज पर फोकस करना होगा। वांग जी को बुरा लग रहा था क्योंकि वो इतने दिनों वुइंग और आयुएन को बिना देखे कैसे रहता, पर वुइंग के कहने पर वो मान जाता है। मंडे और ट्यूसडे वो अपने प्रोजेक्ट में बिजी हो जाता है, पर वो वुइंग को मैसेज करता है, मैं फ्राइडे का इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा हूँ वुइंग। वेडनेसडे तक वांग जी को किसी बात पर सस्पेक्ट होने लगा था, क्योंकि यूजुअली वुइंग के आंसर्स हमेशा तुरंत ही आ जाते थे, पर कुछ दिनों से उसका रिस्पांस एक सिंगल वर्ड में होता था या कोई भी रिस्पांस नहीं होता था। वांग जी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि इस बात के लिए वो ओवर थिंकिंग नहीं करेगा, पर यह इतना भी आसान नहीं था। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं वुइंग किसी मुसीबत में तो नहीं है। वांग जी तुरंत वुइंग को कॉल कर देता है। 5 रिंग्स के बाद फाइनली वुइंग आंसर देता है। वांग जी उससे कहता है, वुइंग क्या सब कुछ ठीक है? काफ़ी दिनों से तुम ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहे हो। वुइंग उसे मैसेज करता है, डोंट वरी लंजा, मैं बस ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। वैसे आयुएन अब खड़े होने की कोशिश करने लगा है, मैं तुम्हें वीडियो सेंड करूँगा। वांग जी को पता था कि वुइंग सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी फिर उससे पूछता है, वुइंग क्या कुछ हुआ है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? वुइंग उसे मैसेज करता है, नहीं लंजा ये मेरी गलती है, सब लोग सही हैं, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। फ्राइडे को तुम एज यूजुअल आयुएन को पिक कर लेना, प्लीज़ हम इस बारे में भूल जाते हैं, मुझे अब जाना है लंजा, आई एम सॉरी। ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। वांग जी को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो सांस ही नहीं ले पाएगा। अचानक से वुइंग को क्या हुआ, वो इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है? वो वुइंग को फिर से कॉल करने की कोशिश करता है, पर वुइंग आंसर नहीं करता। वांग जी तुरंत वुइंग के अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। अगर वुइंग के दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो वांग जी उससे बात करेगा, उसे समझाएगा, उन्हें किसी भी चीज़ की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वांग जी उसे दूर करेगा। पर जब वांग जी अपार्टमेंट में पहुंचता है, वुइंग वहाँ नहीं था। वो फिर से कॉल करता है, पर वुइंग कभी भी आंसर नहीं देता। तभी उसे लेडी वैन वहाँ खड़ी हुई दिखती है। लेडी वैन वांग जी को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या आयंग अपना कुछ सामान यहाँ छोड़ गया है? वांग जी उनसे पूछता है, वुइंग कहाँ है? वो लेडी कहती है, आयंग आज सुबह जब बुक शॉप में काम कर रहा था तो कुछ कस्टमर्स के साथ उसका कोई इशू हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा था, मैंने उससे कहा कि वो कुछ टाइम के लिए डेज ऑफ ले सकता है। उसने अपना सामान पैक किया और उसने मुझसे कहा कि वो फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए कहीं और रहेगा, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ रह रहा है।
वांगजी अब और भी ज्यादा घबरा जाता है। अचानक से क्या हुआ? विंग कहाँ चला गया है? वो मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? विंग घबराते हुए अपनी कार में वापस जाता है और सोचने लगता है अब उसे कहाँ जाना चाहिए। क्या उसे जांग्स के घर जाना चाहिए या उसे डायरेक्ट कॉल कर देना चाहिए? क्या उसे यानली को कॉल करके पूछना चाहिए? पर अगर विंग ने अपनी शिजे से कहा होगा कि वो कुछ ना कहें तो यानली भी उसे कुछ नहीं बताएगी। फाइनली वांगजी सोच लेता है कि वो नी ह्वेसांग के घर जाएगा। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। तो विंग और वांगजी के बीच में अभी भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर बहुत जल्दी ही प्यार की शुरुआत होने वाली है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। आज का ये पार्ट भी अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।